अलमीर ने जिदे शुरू कर दी, रो रो के बुरा हाल, इसकी तबीयत भी खराब है, लेकिन पीछे पड़ा कोकोमो। आपको कोकोमो खाने, लेकिन आप पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करोगे। आज तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है, दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाती है। कौन सा वाला कपड़ा ले लो? अच्छा देख लो ना, अंकल दे रहे हैं आपको, ठीक है जल्दी से लो। आइसक्रीम लेने आगे बहुत है, और भी आइसक्रीम लेगा। अलमीर अलमीर की भी ले लो, अलमीर के लिए कब दे देगा वाली आइसक्रीम? कौन सी वाला चाहिए आपको? चॉकलेट वाली दे दे। ओह एक मेन चीज़ दिखानी है वो ये है कि गर्मियों की पहली सौगात आ चुकी है, और आम आम की पेटी आ गई है। अभी ये पकेंगे, बल्कि आधे पक चुके हैं, आधे पकेंगे, तो ये आम पहला आम आ चुका है हमारे घर में। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फातिमा हसीब, वेलकम टू माई चैनल। और आज जुम्मे का दिन है, सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। उठी थी सुबह के 9 बजे, अभी तो 9:30 हो गए, तो दून फिल तौबा के पड़े। अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। आज मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉग टाइप आज का माई डे वो मैं शूट करूँगी, तो इसलिए मैंने आज स्टार्ट कर लिया कि मेरा फ्राइडे कैसे गुजरता है, और देखते हैं हम आगे आगे कैसे गुजरेगा। कुछ प्लान नहीं होता, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो 10:30 हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर नाश्ते के लिए उठेंगे। और अच्छा जी, जाते जाते मैंने कहा थोड़ा विंडो से व्यू दिखा दूँ, बाहर का गर्मी बहुत तेज़ है, और पिछले दिनों तो ज़ाहिर हीट स्ट्रोक था, तो 2-3 दिन तक बहुत तेज़ गर्मी थी, अभी भी धूप बहुत ज़्यादा ही है। सब अपना बहुत ख्याल रखें, पानी पिएँ, और ठंडे मशरूबात का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि फिर बीमार होने का खतरा होता है। मेरे भाई को भी फीवर हो गया था अभी, और कहीं ना कहीं सबकी तबीयतें ख़राब हो रही थी, किसी का गला ख़राब, किसी का कुछ। धूप बहुत है, लेकिन सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकते इस टाइम। अच्छा जी, दोपहर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, और आज मैंने सोचा था पूरा दिन रिकॉर्ड करना है, तो अभी यहीं से उठते ही बच्चे भी उठ गए मेरे साथ, और ये आ रहे हैं नीचे अलमीर जल्दी जल्दी, साथ इसहान भी जाके नीचे बैठ गया। इसहान इसहान वो देखो आपका नाश्ता रखा हुआ, जल्दी से करो, रेजान का नाश्ता रखा हुआ, जल्दी आ अलमीर आ जाओ। अलमीर खुद ही स्टेयर्स चढ़ता उतरता है, जल्दी जल्दी शाबाश। तो जी सुबह तो हमने हल्का फुल्का खा लिया था, ब्रेड वगैरह हमें दिखा नहीं सकी, रूम में ही मंगा के हमने खा लिया था। अब जो है हम प्रॉपर जो रोटी पराठे वाला नाश्ता होता है हम दोपहर में ही करते हैं, तो हम वो करेंगे। अलमीर ने जिदे शुरू कर दी, रो रो के बुरा हाल, इसकी तबीयत भी खराब है, लेकिन ये पीछे पड़ा कोकोमो। आपको कोकोमो खाने, लेकिन आप पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करोगे। अच्छा ये देखो कितनी नोजी आ गई, कोकोमो खोल। ये किस तरह की जिद हो रही है, देखो जमीन पे लेट गया अलमीर, ये लो। अच्छा लो, नाराजगी खत्म करो। वो तो नाइट में पिया था ना, आप पहले ब्रेकफास्ट डन करोगे, उसके बाद आप कोकोमो खाना, ठीक है? आप जिदे हो रही हैं, वो टिशू निकाला था ना, टिशू देना है हमें। चलो इजान वन बाइट मैं दूंगी, उसके बाद आपने खुद खाना है, ठीक है? क्यों? अब आप बिग बॉय हो गए बेटा, बड़े बच्चे खुद से खाते हैं, ठीक है? आजकल के बच्चे तो बिना फ़ोन के और बिना चिज्जी के नाश्ता करते ही हैं। आप कहाँ तक पहुँचे जी? लाओ गिव मी, गिव मी अलमी, गिव मी, गिव मी। ओ बुरी बात, बुरी बात। अच्छा तो मम्मा को तो मम्मा ओपन करके दें। तो जी इजहान के बाइट्स बन गए। इजहान आजकल के बच्चे इस तरह से नाश्ता करते हैं, वाह। और अब हम बड़ों का नाश्ता रेडी करेंगे, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा आटा गूंदना है, क्योंकि थोड़ा सा गूंदा है, और एक रोटी बनी भी है। वैसे तो मैं आलू की कतलियाँ बनाती हूँ जिसमें टमाटर वगैरह सब डलते हैं, लेकिन आज मैं ये चटोर वाली आलू बना रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, छोटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, नमक और गर्म मसाला। जी क्या हुआ? आप बैठो, आपका फिनिश नहीं हुआ अभी पराठा, छोटी सी एक रोटी बनाना। पत्ती मैंने थोड़ी सी और डाल। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह से हम फ्री हो गए थे, अब मुझे थोड़े से बच्चों के कपड़े धोने, इसलिए मैं आ गई, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, जब तक चल रहा है हम थोड़ा सा बैठेंगे, रेडी वेडी करेंगे बच्चों को, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, बच्चों को पार्क लेके जाना। और बैग क्यों लाया अलमीर बाहर, और सारा कोको हम देखो नीचे गिरा दिया, कितनी बुरी बात है, डर्टी कर। तो जी पार्क के लिए हम लोग हो गए रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं पार्क, मैं बच्चों को लेके पार्क। स्ट्रॉलर में थोड़ा मसला आ गया, वो सेट हो रहा है, इसके अंदर फंस गया, पूरा ऊपर रखा करो ना ताकि इसमें ना फंसे। अलमीर भी रेडी टू गो है, बॉटल्स इनकी रेडी हो गई हैं, फुटबॉल भी रखना है। अच्छा रेडी हो गए, जाने से पहले पानी पी लेती हूँ, और अब हम चलते हैं पार्क।
अजान बाहर ही साइकिल लेके खड़ा हुआ। अच्छा जी मैं आ गई हूँ पार्क, बच्चे मुझसे पहले भाग चुके हैं, बस निकलो तो फिर नेबर्स में इतनी सारी लेडीज होती हैं, फ्रेंडशिप हुई भी उनसे तो सलाम दुआ करते करते मुझे तो लेट ही हो जाता है, नहीं खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया जाता है। इस तरह से इन्होंने लगाया है, ये सिस्टम है यहाँ पे वाटर का, पूरे पार्क में इस तरह से दिया जाता है पानी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इस रिसेंट में गैलरी और सीट भी बनी है तो सारे जेंट्स जो हैं पार्क में एक एरिया बना हुआ है और वहीं पर ही अजान होती है, वहीं पर ही नमाज होती है, भी अजान होगी, मुझे स्टॉप होना पड़ेगा। जाने आ देखो कोई बात नहीं, अभी चलो अजान हो गई है, अब आप लोग प्ले करो, आ जाओ। ठीक है, ये इन्होंने छोटा सा प्ले एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह राइड्स वगैरह और पार्क में। आज तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है, दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाती है, हीट स्ट्रोक भी था 2-3 दिन से, उस वजह से बहुत ज़्यादा हीट होती है, तबीयतें भी डाउन हो जाती है, लेकिन जो है शाम से वेदर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा ऑटोमेटिकली वाला जो मैं बता रही थी ना वो ये जगह जगह लगे हैं, इस वजह से वाटर आता है, ये हर जगह उन्होंने फिट किया है तो फिर पूरे पार्क में पानी देता है। करेंगे थोड़ी देर हवा लेंगे बैठेंगे और फिर निज़ाम की टीचर से मिलने जाना है मुझे, नमाज का टाइम हो गया, इज़हान आओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद वीडियो में आवाज़ भी आ जाए, और अभी तक नमाज चल रही है, मेरी पप्पा ये बातें कर रहे हैं। इज़हान बेटे इधर आओ, इज़हान अपनी साइकिल चला रहा है, ये आपका फ्रेंड है, ओके सान बातें करो फ्रेंड से, उसको छोड़ो आप जाओ हसनैन के साथ खेलो, जाओ पीछे बैठ जाओ हसनैन, आप इसके इज़हान आप अपना नेम खुद बताओ, बच्चों के नए दोस्त बन रहे हैं। हाँ वो जो मुझसे पूछा आंटी मैं से फ्रेंडशिप कर लूँ, मैंने कहा कर लो, हाँ वो ना इज़हान भाग कर आएगा ना मम्मा उस बच्चे के तो तीर टूटे हैं। बेबी को पाल करो, छोटी सी बेबी को प्यार करो, अरमी प्यार करो ऐसे, ओए किची किची किची, ये अपना बच्चा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं कि तुम खेलो, अच्छा खेलता नहीं, इम्मी जाओ प्ले करो, तुम्हें देख के रोने क्यों लगता है, प्ले करो जाओ दो इसे, लो जी बच्ची जा रही, चलो अलमीर को दे दो, हाँ चलो अलमीर हिट करो, शाबाश देखो फुटबॉल से खेलेगा मुझे सामने, हाँ इसको हसनैन इसको सिखाओ फुटबॉल खेलना, कोई खुश हो रहा है, बॉल इसके फुट के आगे रखो, गुड अच्छा जी पार्क में भी पानी दिलना स्टार्ट हो गया, पता नहीं वो मैंने अलमीर फुटबॉल खेल रहा है, अलमीर नो वाटर में जी ना गीला हो गए, आज उधर ही आओ, उधर आ गया ना पानी, देखा पूरा गीला हो गया, दिखाओ कितना गीला हुआ अलमीर में वाटर आ गया, सर्दी लगेगी इसे, यहाँ बच्चे नहा सकते, आओ उधर आओ आओ मम्मा क्लीन करे, फुटबॉल से प्ले करो अलमीर, वो नहीं बॉल लेकर आओ, अहमद इसको पास कराओ, इतना सारा है तुम साइड पे नहीं हो सकते थे, इमी कम बीबी ने अपने आप को गीला कर दिया, अंधेरा हो गया लेकिन ये पार्क की येलो लाइट्स हैं उसकी काफी रोशनी है, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल को हिट करो, यस गुड वाह, और इसको ना वो बताओ उसमें डाले, हाँ इसमें ले जाए, ये वाह कौन सा वाला कपड़ा चाहो ले लो, अच्छा देख लो ना फिर अंकल दे रहे हैं आपको, ठीक है जल्दी से लो, जहाँ आइसक्रीम लेने आगे गर्मी बहुत है,
और अभी आइसक्रीम ले रहे हैं। अलमीर अलमीर की भी ले लो, अलमीर के लिए कप दे दे। कप वाली आइसक्रीम कौन सी, ये वाला चाहिए आपको? नहीं, चॉकलेट वाली दे दे। ओए होए, तो इसमें चॉकलेट ही तो है, वनीला स्ट्रॉबेरी कोई भी नहीं है चॉकलेट वाली। ये छोड़ ना दे, चॉकलेट वाली होती है। और एक कप दे दे, ये नहीं मिल गई इजान, ये लो ये वाली लो, अंकल को वापस कर दो। और इसके एक बच्चे के लिए कप दे दे, हाँ छोटे बच्चे के लिए छोटा कप दे दे। ये बच्चा बहुत रोया अपनी आइसक्रीम के लिए। अब आइए इसकी आइसक्रीम, हैप्पी हो मेरा जान? आपकी आइसक्रीम फिनिश? नो, आ जी, ये है स्ट्रॉबेरी एंड वनीला। वनीला अच्छा जी, मगरब का टाइम हो चुका हुआ था, कब से बच्चे खेल रहे थे क्योंकि अच्छी हवा थी। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि जान की टीचर से भी मिलना है, उनकी टीचर से मिलते हुए फिर मैं जाऊंगी घर, करीब ही रहती हैं, उनका विला भी करीब ही हमारे, तो उनसे मिलूंगी फिर हम जाएंगे घर क्योंकि रात के खाने वगैरह की तैयारी करनी है। फाइनली जी हम लोग आ गए हैं घर, और घर आते आते हमें घंटा ही लग जाता है, पार्क से निकलो तो रस्ते में फिर बारी बारी सब लोग मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को बातें बताते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अब आ गए हैं घर, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत अच्छी हवा थी, मज़ा आ रहा था। अलमीर तंग कर रहा था इसलिए घर आना पड़ा, टाइम भी हो गया था क्योंकि इसको ज़ाहिर लिटा के थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे, करा के इसको मुझे तो खाना वाना रेडी करना है। तो आज का दिन पूरा मेरा आपके साथ ही गुजर रहा है, तो हर चीज़ देखने को मिल रही है, ये भी देख कर किस तरह रो रो के तंग कर रहा मुझे। जी क्या हुआ? ओ ये थका हुआ है ना बाहर से, तो इसको नींद आ रही है, चलो स्लीप। अच्छा जी अलमीर को तो मैंने सुला दिया है, ये अलमीर सो रहा है, ये ब्लू लाइट ऑन है इसलिए ऐसा कलर आ रहा है, अलमीर सो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ, बाल हो रहे हैं, अब मैं खाने की तैयारी के लिए आई हूँ। आज घर में ज़्यादा है नहीं कोई, तो मैं बना रही हूँ तुरई, और सामान सारा मैंने निकाल दिया, अब इसकी कटिंग वटिंग करके जल्दी से तुरई बनाऊँगी। पप्पा को ये खीरा और गाजर कट करके देने, शाम में खाते हैं मगरब के टाइम, तो ये अभी मैं तैयारी स्टार्ट कर। अच्छा जी ये तो मैंने कट कर दिया है, ये मैं दे रही हूँ पप्पा को, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। अच्छा जी खाना मेरा हो गया है रेडी, ये बना है तुरई आलू। वैसे हम लोग बनाते हैं तुरई, लेकिन तुरई में आलू इसलिए मैंने डाला है क्योंकि बच्चे हैं वो, तो उनको भी खिलाना पड़ता है, तो आलू के साथ रोटी खा लेते हैं, इसलिए मुझे तुरई आलू बनाना पड़ा। लेकिन एक मेन चीज़ दिखानी है, वो ये है कि गर्मियों की पहली सौगात आ चुकी है, और आम आम की पेटी आ गई है भाई, ये पकेंगे, बल्कि आधे पक चुके हैं, आधे पकेंगे, तो ये आम पहला आम आ चुका है हमारे घर में। थैंक यू भाई, भाई ने भिजवाया आम, ज़बरदस्त, अभी खोल के देखूंगी मैं कितने पक। मम्मी निन्नो से उठ के बाहर से जाके अंदर आ गया, बेबी हेलो यश, मैंगो मैंगो खाने, हाँ इम्मी को मैंगो खाने, अलमीर के फर्स्ट मैंगो होंगे क्योंकि ये माशाल्लाह 1.5 साल का हो रहा है और फर्स्ट टाइम ये खाएगा मैंगो, पहले छोटा था मैं भी थोड़ा बहुत खाया हूँ, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से खाएगा मैंगो 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 बेबी मैंगो बेबी। अच्छा जी अलमीर का मील तो हो गया है रेडी, अब मैंने कहा लास्ट मील है वो मैं दिखाई दूँ, फिर व्लॉग करेंगे। यस अलमीर, और ये मैंने ओट्स से बनाया अलमीर के लिए, क्योंकि अलमीर जब पुप्पू कर लेता है ना उसके बाद उसको बहुत भूख लगती है, और उसके बाद इसका ये मील जो होता है वो हैवी होता है, इसमें ओट्स और क्या, इसमें सूजी है, बहुत यमी बना हुआ जी 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 जी। और ये अलमीर का फेवरेट भी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से खाने लगे। ये लो जल्दी से ओपन योर माउथ। अच्छा वाटर, वेट वेट मम्मा गिव यू वाटर, चलो ड्रिंक वाटर, गुड यम 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 यम, हॉट नाउ बस। बच्चों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई, व्हाई यू बोथ आर फाइटिंग, व्हाई? छोटी सी कार, आप तो उर्दू बहुत समझते थे, अब क्या हो गया?
अच्छा जी, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बस अब अलमीर जो है सब अपना मील फिनिश करेगा और उसके बाद जो है बच्चों ने मिल्क पीना और स्लीपिंग करनी है, तो अब मुझे इसको प्रॉपर खाना खिलाना है क्योंकि नहीं खा पा रहा है, तो मैं इसको खाना खिलाती हूँ। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा। ये मेरी थी डेली रूटीन, इसमें बहुत सी चीज़ें मिस हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया, जो जो पॉसिबल हुआ वो मैंने रिकॉर्ड किया। तो बस आप सब अपना ख्याल रखें, सब दुआओं में एक दूसरे को याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।